आज फ्लोर टेस्ट होना है। बिहार में आज शक्ति परीक्षण से पहले सियासी हलचल से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ पटना में छापेमारी की कार्रवाई। तो ये हम खबर, आज बहुमत से जुड़ा फ्लोर टेस्ट होना है। केंद्रीय एजेंसी का सुनील सिंह के ठिकाने पर छापा, इसके माध्यम से हजारों लाखों किसान बाहर निकाल दिया गया यहाँ से। अब नहीं दिखी बात, हम इसे झगड़ा करने जाएंगे, हम यही धरना देंगे, यहाँ से कौन हटा सकता है। और एकदम सपोर्टर है बिहार का कोई भी किसान जो होगा वो सुनील बाबू का सपोर्टर होगा। बिहार के किसान अगर जीता है तो सुनील बाबू से जीता है, यहाँ के किसी नेता से नहीं जीता है। यह कॉपरेटिव का देन है, यह सहकारिता के देन है। और कौन छापामारी कर रहा है हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी छापामारी कर रहा होगा यह जो है सो गलत कर रहा है। एक स्वच्छ आदमी को, एक धार्मिक आदमी को, एक चरित्रवान आदमी को एक बदनाम करने का साजिश किया जा रहा है। यह इसको लेकर के पूरे बिहार में आंदोलन होगा। यह पॉलिटिकल पार्टी से हम गांधी के धरती से आए हैं, हमारा नाम संजय सत्यार्थी हुआ। तो आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ पटना में छापेमारी, ये बड़ी खबर। आरजेडी नेता और एमएलसी सुनील सिंह के घर छापेमारी से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। फ्लोर पर नीतीश तेजस्वी सरकार को कोई चुनौती मिलती नजर नहीं आ रही है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। आज जो फ्लोर टेस्ट होना है उसके पहले ये बड़ी खबर, सरकार के शक्ति परीक्षण से पहले बड़ी सियासी हलचल। छापेमारी के खिलाफ फूटा सुनील सिंह का गुस्सा। बिहार में आज शक्ति परीक्षण से पहले बिहार की सियासत में ये बड़ी हलचल मानी जा रही है। तो बहुमत परीक्षण से पहले बिहार से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी नेता सुनील सिंह के घर पर छापेमारी हुई है। आरजेडी नेता और एमएलसी सुनील सिंह के घर पर छापेमारी हुई है। सुनील सिंह का घर पटना के शास्त्री नगर इलाके में है। सुनील सिंह के घर बड़ी संख्या में पुलिस भी पहुंची है। ये छापेमारी किस मामले को लेकर हो रही है इसकी कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। इसके साथ ही कौन सी एजेंसी छापेमारी कर रही है इसको लेकर के भी अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। इसे लेकर भी अभी स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है। आपको बता दें कि सुनील सिंह सहकारी समिति से जुड़े हुए हैं और आरजेडी में कोषाध्यक्ष भी हैं। सुनील सिंह राबड़ी देवी को अपनी बहन मानते हैं, तो बेहद करीबी लालू सिंह यादव और उनके परिवार के हैं, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के हैं। तो ये बड़ी हलचल आपको बता रहे, बिहार में आज शक्ति परीक्षण से पहले ये बहुत बड़ी सियासी हलचल। आरजेडी एमएलसी के ठिकाने पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। केंद्रीय एजेंसी का सुनील सिंह के ठिकाने पर छापा। मुनीश पांडे मेरे सहयोगी फोन लाइन पे मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, कौन सी केंद्रीय एजेंसी छापेमारी के लिए पहुंची है इस वक्त, क्या स्थिति वहां पर, क्या ताजा जानकारी? जिसकी जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक सीबीआई की छापेमारी चल रही है। सीबीआई ने इसके पहले भी लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में दो बार छापेमारी की है, जिसमें कि आरजेडी के जो करीबी हैं, उनके जो नेता हैं, उनके यहाँ पे छापेमारी हुई है। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक शख्स जो लालू यादव के करीबी हैं उनकी भी इस मामले में पहले गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन आज तीसरी बार इसी मामले में जो सीबीआई है उसने छापेमारी शुरू की है बिहार में। और अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक
आरजेडी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके यहाँ पर छापेमारी हो रही है। बिल्कुल, और तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि भारी पुलिस बल भी वहां पर है, और साथ ही सुनील सिंह की भी हमने दर्शकों को बात सुनाई, काफी जिस तरह से एक आक्रोश उनका भी नजर आ रहा था, उनके परिवार वाले भी गुस्सा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त क्या स्थिति है, कार्रवाई कब शुरू हुई, कितनी देर पहले शुरू हुई? देखिए, आज सुबह ये कार्रवाई शुरू हुई है, और सुनील के घर के अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पे छापेमारी चल रही है। सीबीआई से जानकारी निकलकर आना भी बाकी है। जी मुनीश, आपको रोकना चाहूंगी, बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच सुनाते हैं क्या कुछ सुनील सिंह की तरफ से कहा गया है। पॉलिटिकल साजिश है, पॉलिटिकल साजिश है। पॉलिटिकल साजिश है आज के दिन, और क्या आपको नजर आ रहा है क्या? क्योंकि सुनील सिंह होते हैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे। सीधी तस्वीरें हम सुनील सिंह की आवाज से दर्शकों को दिखा रहे हैं। उनके कुछ परिजन हैं जो मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे और पॉलिटिकल साजिश से बता रहे हैं। आज बड़ा दिन बिहार की सियासत के लिए था, फ्लोर टेस्ट भी होना था, विशेष सत्र बुलाया गया था। जी देखिए, जब भी इस तरह से सीबीआई या ईडी की कहीं पे रेड होती है तो उसमें राजनीतिक साजिश के आरोप जरूर लगते हैं, और जिस तरीके से वहां पर कुछ समय पहले ही सरकार बदली तो पहले से ही जो अपोजिशन पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, इस तरह के आरोप लगा रहे थे कि जो सीबीआई है या फिर ईडी है उनका दुरुपयोग होगा। लेकिन अगर बात करें इस मामले की तो देखिए, जब ये सरकार नहीं बदली थी उसके पहले सीबीआई ने इसमें एक जांच शुरू की थी। जांच उसमें जब शुरू की गई थी तो आरोप ये लगे थे कि लालू यादव जिस वक्त देश के रेल मंत्रालय में मंत्री हुआ करते थे उस समय लोगों को नौकरी देने के बदले में जमीन उनसे ली गई थी और रेलवे में उनको नौकरी दी गई थी। उसमें जो कई रेल विभाग में काम करने वाले लोगों के अलावा खुद जो लालू यादव हैं वो भी जांच के घेरे में हैं। अब जो सीबीआई है इस मामले में पहले लोगों को गिरफ्तार की है, कई बार उन्होंने छापेमारी कर ली है, आज ये तीसरी बार छापेमारी है। और मैं बता दूं कि जब से सरकार बदली तब से पहली बार छापेमारी हो रही है वहां पर। तो कुल मिलाकर सीबीआई ये कहना है कि उनकी जांच आगे बढ़ रही है, इस वजह से वो छापेमारी कर रहे हैं। लेकिन जो विपक्षी पार्टी है, जो नेता है, वो तो जरूर इसमें आरोप लगाते रहेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति की बू भी नजर आ रही है। बिल्कुल, और छापेमारी के खिलाफ जिस तरह से सुनील सिंह का गुस्सा भी फूट पड़ा, उनके परिजनों में भी हमने देखा किस तरह से वो अपनी नाराजगी मीडिया कर्मियों के सामने जाहिर कर रहे थे। अब इसके बाद आगे क्या होगा, क्योंकि आज फ्लोर टेस्ट भी होना है, क्या लग रहा है कि इस कार्रवाई से सुनील सिंह के लिए क्या कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है आज के दिन? जी देखिए, उनके लिए मुसीबत तो खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन कुल मिलाकर जब तक उनके यहाँ पे छापेमारी चलेगी तब तक उन्हें सीबीआई अधिकारियों के साथ में रहना पड़ेगा। एक प्रक्रिया होती है कि जब आपके घर पे छापेमारी हो रही है तो वहां पर जो सीबीआई होती है उन अधिकारियों का सहयोग करना पड़ता है, अगर सहयोग नहीं करेंगे तो उनके ऊपर दोबारा केस दर्ज किया जा सकता है। आज जो फ्लो टेस्ट होना है उसको लेकर तो हंगामा जरूर होगा, क्योंकि अब सीबीआई ने छापेमारी की है, कई और ठिकानों पर छापेमारी हो रही है जिसकी जानकारी आना बाकी है। तो आरोप तो यही लगेंगे कि सरकार जो नई बिहार में सरकार बनी है उससे डर कर ये छापेमारी करा रही है। तो अभी तो हंगामा सिर्फ शुरू हुआ है, अब देखते हैं कि आगे किस तरीके से जो राजनीतिक हलचल है बिहार से लेकर तो दिल्ली तक बढ़ती है। मुनीश, सीबीआई के रेडार पर और कौन कौन हो सकते हैं? जी देखिए, इसमें लालू यादव के परिवार के काफी लोग हैं। लालू यादव रेल मंत्री थे, लेकिन इस मामले में अगर जब पहली बार सीबीआई ने छापेमारी की तो उस वक्त लालू यादव के परिवार के दो लोगों के यहाँ पे छापेमारी हुई थी, दिल्ली में छापेमारी हुई थी, इस वक्त लालू की बेटी के घर पे। तो लालू यादव के परिवार के तकरीबन 2 से 3 लोग हैं जो कि सीबीआई की जांच के घेरे में है। सीबीआई का ये कहना है कि जब रेल मंत्रालय में नौकरी दी जा रही थी तब लालू यादव के परिवार के लोगों को
जमीन दी गई थी नौकरी देने के बदले, और ये पूरा का पूरा एक बड़ा घोटाला है। और इस पूरे मामले में मुनीश, अगर हम सुनील सिंह की ही बात करें तो किस तरह की उनकी भूमिका अब तक पाई गई है, जो क्या इसके पहले भी इस तरह की पूछताछ जानकारी इससे कोई जुड़ी आपके पास उनसे हुई हो? जी देखिए मल्लिका, इस मामले में सुनील सिंह से पहले कोई पूछताछ नहीं हुई थी, वो जांच के घेरे में जरूर थे। जब मैंने सीबीआई के अधिकारियों से बातचीत की कि आखिरकार इनके ऊपर आरोप क्या है, तो सीबीआई मनीष आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। मनोज झा कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं दर्शकों को। किस बात की खुन्नस है कि एक सरकार आपके अनुरूप नहीं चल पाई, उसने जन सरोकार के लिए गठबंधन बदल लिया, इसका है, इसकी खुन्नस है? पॉलिटिकली लड़िए ना, लेकिन आपने जिस प्रकार से हमारे नेताओं, अलग अलग नेताओं, हमारे साथ जुड़े हुए लोगों पर जो किया ना, 26 वर्षों से हम देख रहे हैं, डिप्टी सीएम लगातार ये बात कह रहे हैं, आप एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं ना, आपने इन संस्थाओं के चरित्र को तहस नहस कर दिया। अब जो कहते थे ना चाल चरित्र चेहरा, अब उसके नतीजे में देखिएगा कि एक दिन वो भी आएगा जब आप नहीं होंगे, आप भी इसकी जद में आएंगे। कौन सा ये पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो अफसोस की बात है। मैं समझता हूं कि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और फिर बिहार, आपके पास स्क्रिप्ट वही है कि पॉलिटिकली नहीं लड़ पाएंगे, ये संगठन जो आपके हाथ के तोते हैं इनको इनकी छत पे पहुंचा। लेकिन ये बिहार है, बिहार अपने तरीके से लेगा बदला। बिहार विधानसभा प्रोटेस्ट भी होना था, ये मैं यही कह रहा हूं कि देखिए इन लोगों की पॉलिटिकल समझ, आज बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कितना महत्वपूर्ण दिन है बिहार के लिए, और आज का दिन चुना इन्होंने किसके लिए, डराने के लिए। अरे बार बार नितेश्वर जी एक बात कहते हैं, बिहारी हैं, टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं है, डरेंगे भी नहीं। तय करिए, मुश्किल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो आपके संगठन है, जिसको मैं तो बार बार कहता हूं, कब इनको बेकार आप लोग भी सीबीआई, ईडी, आईटी कहते हैं, ईडी वीडी मत बोलिए, बोलिए भाजपा का एक संगठन फलाना, भाजपा का दूसरा संगठन चिल्लाना, भाजपा का तीसरा संगठन ढिमकाना, ये इनके चरित्र की हकीकत है। लेकिन मैं दोहरा रहा हूं, ये बिहार है, ये इस तरह के छापे आपको एक अच्छी नसीहत दे के जाएंगे ताकि आगे आप ऐसा ना करें। मुनीश, मनोज झा बड़ा आरोप यहां पर लगाते हुए और ये कहते हुए कि बिहार की सियासत के लिए आज महत्वपूर्ण दिन था और आज का दिन ही चुना गया, बहुत बड़ा आरोप भाजपा पर लगा रहे थे मनोज झा।